कन्वर्ट करने वाला हूँ सबसे ज्यादा पैसों में, मतलब कोशिश ये करूंगा 10 लाख रुपए करके गाड़ी आज ही ले आऊं, आज तो नहीं मतलब इसी पार्ट में ले आऊं। आज की वीडियो में होगा मास्टर बिजनेस, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। 2 लाख रुपए से बिजनेस करना है, सोचा क्यों ना एयर जॉर्डन का धंधा करूं। भाई बहुत फैंस है ना, स्नीकर हेड्स बहुत है आजकल, बट धीरे धीरे आई रियलाइज यार कुछ डिफरेंट ऑफ द मुश्किल बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस जो मेरे लिए होने वाला है, रिटेल आउटलेट का स्टोर। मतलब धंधा आएगा नहीं आएगा, सेल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्जिन क्या रहेंगे। एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक अच्छी लोकेशन ढूंढना, जहाँ पर रेंट कम हो और फुटफॉल ज्यादा हो। बस मैंने स्टार्ट कर दिया अपने सारे प्रॉपर्टी डीलर फ्रेंड्स को कॉल कर, दोस्तों से कह रहे भाई अब तेरे को दुकान खोलनी है, क्यों खोलनी है, क्या करेगा उसका। मैं भाई सारी इंक्वायरी मत लो, कोई पर्पस है मेरा, बहुत अच्छा पर्पस है, वो एंड में भी तुम्हारे को पता चल जाएगा। मतलब तुम्हारा एक बंदा और है मेरे पास फुल जुगाड़ू जो ये काम कर देगा, तो लेट्स कॉल हिम। इधर मैं सारे ब्रोकर से बातें कर रहा था और उधर जासूस अलग ही ब्रोकरेज करके बैठा था। किसका है ये तुमको? मैटो मैं कर चुका हूँ, ओला ड्राइवर मैं बन चुका हूँ, और चाय वाला बन चुका हूँ। पता नहीं अभिषेक भाई मेरे को क्या क्या बना के मानेगा, जैसा कि पीछे नाम लिखा हुआ है मैं बनने वाला हूँ ब्लिंकिट राइडर, और देखते हैं कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं 4-5 दिन के अंदर। तो गाइस सबसे पहला ऑर्डर, अभी तक तो ठीक ठाक कमाई हो रही है, मतलब जोमेटो से बेटर है, और क्या बोलते हैं ना ऑर्डर ही फटाफट हो रहे हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे, और मजा आ रहा है। अब अभिषेक भाई टाटा काम से, अब लगे ब्लिंकिट राइडर। ओके, तो हम आ गए श्री राधे राधे प्रॉपर्टी सीडी ब्लॉक में, ओल्ड बाय अमर, और इसको हमने कल एक ड्यूटी दी थी कि भाई को चाहिए 15-20 हज़ार मैक्सिमम, उसमें बड़े प्यार से मिल जाएंगे। पक्का भाई। चलो फिर आओ देखते हैं कौन सी दुकान है भाई ने ढूंढी, अगर सही नहीं ढूंढी तो दोस्त है मारेंगे इसको। अमर ने दुकानें तो बहुत, तेरे को मार्केट पसंद नहीं आई तो इसके बाद रोहिणी चलेंगे, ये वाली है भाई दुकान। ये दुकान बहुत पीछे नहीं है ये भाई, तू ना इसको यहाँ तक कवर कर सकता है, मतलब ये सबने कवर कर रखी है, सबने कवर कर रखी है। कितना एरिया है भाई ये? 10x20x25 है अंदर, बहुत खुली है अंदर। ये टेढ़ी है, शेर मुख है गौमुख है? गौमुख है भाई। तो मतलब मुझे इतना पता है कि घर हो या दुकान हो शेर मुखी नहीं लेना चाहिए, गौमुखी लेना चाहिए। गौमुखी होता है जो पीछे से चौड़ी हो, पीछे चौड़ी रेट के हिसाब से तो सही है। तो ये सारी फोटोज लेके मैं चला गया उसके पास जो मेरा भी बाप है। तो अभी मैं करने वाला हूँ यार डिनर, और ज्यादा हाइपर डिनर नहीं है, 30 रुपए की दाल और 10 रुपए की रोटी, 1 रुपए के हिसाब से मस्त दाल मखनी है भाई। तो गाइस मैं पापा को सारी दुकानें दिखा रहा था और मैं इनसे पूछ रहा था कि कहाँ राय ले रहा हूँ कि एक्चुअली मैं कहाँ पर हमारे को ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहिए। तो पापा क्या कहते हो कौन सी दुकान खोलूँ? कोई भी खोल ले बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गौमुखी मतलब कह रहे फिर भी ठीक होती है, क्योंकि मतलब मैं तो बेसिकली ये देख रहा हूँ कि रेंट कहाँ कम है, फुटफॉल मार्केट में किसका ज्यादा है। तो गाइस सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम लेने वाले यही वाली दुकान, निकले जिसकी दुकान है वो भी रेडी हो गया है। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन, कल करेंगे रेंट एग्रीमेंट एंड उसके बाद फाइनली आई विल बी द ओनर ऑफ माय फर्स्ट ग्रोसरी स्टोर। आई एम वेरी हैप्पी। ओके तो गाइस आज है हमारा डे टू। कल यार मेरी कमाई हुई थी 793 रुपए कुछ हुई थी, और जिसमें से मैंने छोले वोले कुलचे भी खा लिए थे, खाना मैंने कहा लगता है खर्चा, तो सारा खर्चा काट के मेरे को पड़े अराउंड 700 रुपए बचे थे। कल की कमाई देख के थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल आज थोड़ा कम है, तो पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, अब खा रहा हूँ खाना, क्योंकि पैसे ही बचाने हैं, पैसे बचाऊंगा ही नहीं तो कमाऊंगा क्या। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा मिशन भाई, इनका जो रेट में वेरिएशन है ना वो भी बहुत ज्यादा है, एक 2400 रुपए की दे रहा है, एक 6500 रुपए की दे रहा है, बट मैंने फ्रैक्टल कैटलॉग मंगवाया है एंड इनके पास मतलब मेरे को लगता है बार्गेनिंग करते हैं एंड अपने स्किल्स लगाते हैं, बार्गेनिंग स्किल्स, और डिसीजन लेते हैं फाइनल। भाई 31,000 रुपए का हमारा खर्चा आ रहा है रैक्स का, इतनी सारी कोटेशंस ली थी एंड मुझे लगता है ये लीस्ट कॉस्ट है, इससे नीचे 29,500 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें। पहले दुकान अब सारी रेडी करते हैं रैक्स एंड ऑल के साथ, फिर हमारे को इसके अंदर माल भी भरना है। तो आई फील आई शुड प्लेस द ऑर्डर ऑफ द रैक्स, लेट्स गो। यहाँ हमारी दुकान शुरू हो रही थी, वहां जासूस की जेबें खाली हो रही थी। लो भाई पहले गाइस काम कम हुआ, और एक तो तेल भी डलवाना पड़ेगा, मुश्किल से आज तो यार 250 रुपए, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा कम कमे हैं। तेरी बोटी कर दूंगा, बोटी छोड़ो, रैक देखो, फाइनली हमारे स्टोर में रैक्स लग चुके हैं, क्या करना है अब। मैं जाऊंगा सुपर स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर्स के पास, कि भाई मुझे सबसे कम मार्जिन, लाइक मतलब सबसे कम कॉस्ट, मेरा मार्जिन ज्यादा हो उस रेटों पे माल दे दो, और यहाँ भरते हैं और अपनी दुकान की ओपनिंग करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। थक गए भाई थक गए। तो गाइस थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं, एक्चुअली जो मोबाइल में था वो रिचार्ज खत्म हो गया।
जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, अब रिचार्ज है नहीं भाई, ये खर्चा अलग है। अपनी लाइफ में जान पाया हूँ उनको, मैंने कॉल करा और मैंने बोला मुझे माल चाहिए अपने स्टोर के लिए, तो भाई मैंने लेटली ये रियलाइज करा ये जितनी बड़ी कंपनीज है रैकेट एक्चुअल ये सब तो भाई मार्जिन ही नहीं देती, इतना लो मार्जिन है, मतलब मैक्स मैक्स खींचो ओके तो 8-10%, बट ये माल को अपने स्टोर पे लाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये माल नहीं होगा तो कस्टमर नहीं होगा। तो मैंने मिनिमम ऑर्डर कर दिया है क्वांटिटीज में, उनको लाएंगे, बट आई नीड टू फिगर आउट समथिंग मोर जिससे मैं अपना मार्जिन को स्ट्रेच कर सकूं, क्योंकि अगर इस धंधे में तो मास्टर प्लान लिटरली मैं इतनी देर से काम कर रहा था और मैं फिगर आउट कर रहा था मार्को कितना पैसा बचना है, कितना मार्जिन बचेगा इन प्रोडक्ट्स में, एंड लिटरली भाई इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, मैक्सिमम 10-12%। बट मैंने दिमाग लगाया, मैं सारे प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड लेके आने वाला हूँ, जो कस्टमर आएगा ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने हम उनको ये वाले प्रोडक्ट्स बेचेंगे कि भाई ये वाले ट्राई करो, ये आपको सस्ते भी पड़ेंगे और इसमें हमारे को मार्जिन भी ज्यादा बचेगा, हमारे प्रोडक्ट्स में 70-80% तक बच सकता है। तो हमने यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करे हैं, फ्रेश फ्रॉम डेयरी बिल्ड करा जिसमें हमारे पास मिल्क है, घी है, दही है, उसके बाद हमने बिल्ड करा है एक्वा केयर टॉयलेट्रीज के लिए, भी दालें आती हैं, जितने भी ये पास्ता वास्ता आते हैं हम इनको छोटे छोटी पैकिंग करेंगे, अपना ब्रांड लगाएंगे और इसमें भी पैसा बचाएंगे। ओके गाइस, तो मैं मम्मी से बड़ी देर से डिस्कशन कर रहा था कि यार इतनी सारी चीजें हम मतलब कर रहे हैं, अपना स्टोर खोल रहे हैं ग्रोसरी का, बट हम ना नाम नहीं डिसाइड कर पाए, तो नाम तो माँ के आशीर्वाद से ही लेना चाहिए, तो मम्मी ने कौन सा नाम? होम नीड्स सबसे सस्ता स्टोर। ओके, तो आई कांट बिलीव लाइक लिटरली 2 लाख रुपए के अंदर अंदर हमने अपनी पूरी दुकान खड़ी कर दी है, सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर, मिस्टर बॉन्ड आ चुका है, डिश वॉश लिक्विड एकदम 1+1 मिल रहा है यहाँ पर, 500 ml टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, उसके बाद ग्लास क्लीनर है, 20% बचता है, फ्रेश फ्रॉम डेयरी घी हमारा खुद का अपना घी है हमारे पास, उसके बाद प्योर वीट्री अपना आटा, भाई हमने हर चीज अरेंज कर दिया है, जितनी भी दालें थी, पल्सेस थी, पास्ता है, ये सारी चीजें हमने होलसेल में खरीदी एंड अपने नाम होम नीड्स के नाम से इनकी ब्रांडिंग करा दी है। MR फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली इट्स दैट डे जब हमारी शॉप की होने वाले ओपनिंग, आई एम सो हैप्पी। तनिष्क ऑल द बेस्ट, ही इज गोना बी द गाय जो यहाँ बैठेगा, क्योंकि मैं 30 डेज रेगुलर यहाँ नहीं बैठ पाऊंगा, ये यहाँ बैठेगा, कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी देगा, एंड वी आर गोना मेक श्योर हम बहुत सारा प्रॉफिट कमाए इससे। तेरे को एक चीज मेक श्योर करनी है, लोग लेने एक चीज। लेकिन सिर्फ दुकान खुलने से क्या होता है, कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए, कुछ गिनती के एंड में भी काम कर रहा था। लेट्स गो ऑर्डर पर ऑर्डर इतने बढ़ रहे भाई, 30-40 रुपए। चलो मुझे कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही था, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारी दुकान शुरू होने से बहुत कम है, आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि दुकान खुल चुकी है। तो हमने डिसाइड करा है मास्टर प्लान, हमने छपवा दिए पैम्फलेट्स, एंड लिटरली होम नीड्स के सारे पैम्फलेट्स छप चुके हैं, एक से एक क्वालिटी के पैम्फलेट्स, और सारी स्कीमें डाल दी है हमने, मिस्टर बॉन्ड बाय वन गेट वन प्योर विट्री 50% डिस्काउंट, और फ्रेश फ्रॉम डेयरी पे भी डिस्काउंट, घी पे डिस्काउंट हमारे पर। और मैं कराया अपनी लास्ट डिलीवरी, तो अगर मैं टोटल अर्निंग अपनी बताऊं तो भाई मेरी टोटल इनकम हुई है 4,880 रुपए, और 4,880 में से आप लोग मेरा तेल और खाने के पैसे काट दो तो हमारे बचे 3,296 रुपए, मतलब 3,300 रुपए बचे भाई। अगर मैं महीने के बताऊं तो मेरे बस की तो बात नहीं है, अपन तो अभिषेक भाई के साथ ही काम कर लेंगे। फाइनली हमारे प्लान काम करने लगा था, एड्स ने अपना कमाल दिखाया, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, एंड तानिश उनको इतने अच्छे से अटेंड करता था कि लोग जुड़ने भी लगे। आप आटा खा के देखो, इससे बेस्ट आटा नहीं मिलेगा। मैगी बाहर आपको 14 की मिलेगी, यहाँ आपको 12 की मिलेगी। मतलब आप ये देखो, हार्पिक जैसे एक आता है ये मिस्टर बॉन्ड, तानिश के पास आ गया, वो रोज रात का मेरा रूटीन हो गया है इसके पास आना या इसको अपने पास बुलाना। तो मैं एक बार अपडेट ले ले, सर बताइए क्या अपडेट है दुकान का। सर अपडेट तो कुछ ऐसा है कि मतलब पहले से तो टचवुड सेल बहुत बेटर हो गई है। तो टचवुड है तो सर को क्यों छू रहा है? अब लकड़ी कहाँ ढूंढूं मैं, इसलिए सर ही ठीक है, सर भी लकड़ का है। अब कस्टमर आता है, स्टॉक को भरवा दे मतलब पैसे को लाना, तो एक काम कर मेरे साथ चल, जो गल्ले में पैसा है वो मेरे को दे, मैं फिर ऑर्डर करूंगा उससे। आ जाओ। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट के एंड में हमारे पास 1,98,005 इलेक्ट्रिसिटी एंड सफाई पे लगाए, 31,000 रैक्स पे लगाए, पैम्फलेट एंड होर्डिंग्स पे हमने 9,000 रुपए लगाए, प्लस हमने जो ब्रांडेड सामान मंगवाया था वो अराउंड 68,000 का इनिशियली मंगवाया था, उसके बाद हमने रीऑर्डर करा, उसका भी बिल मेरे पास अभी आना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा 2,500, वो हमसे पैसे लेते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको पैसे जरूर दूंगा, मतलब जितना एटलीस्ट जो टोकन मनी है वो उनको लेना चाहिए। और हमने
अभी एक महीने में हमारी सेल भी कुछ ज्यादा खास नहीं आई, हमारी सेल आई है 1,14,900। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब हम पर डे 3,500-4,000 की सेल मार रहे हैं और उसमें हमारे को लगभग 27-28% तक बच रहा है टोटल इन हैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हम सही जा रहे हैं और जासूस ने भी पूरा हिसाब लगाना है हमारे पास कितना स्टॉक है क्या है। हम इस वीडियो को अभी एक और पार्ट, लाइक ये हमारा स्टोर वाला, हम एक और पार्ट में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 2 महीने हम अभी और स्टोर चलाएंगे जब तक रेंट एग्रीमेंट है और हम